तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आपको दिख ही गया होगा कि मेरे Redmi Note 8 Pro में MIUI का नया और लेटेस्ट वर्ज़न अपडेट हो गया है। मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ना, पहले इस वीडियो को आप ना फुल स्क्रीन मोड पे कर लो तो आपको बहुत ही बढ़िया करके फ्री दिखाई देगी। इसको आप ना लेफ़्ट साइड कॉर्नर में नीचे फुल स्क्रीन वाला जो मोड है उस पर आप क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लो तो बेहतर दिखाई देगी। इसको मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और एंड पे, हाँ ठीक है, ये मेरा फुल डाउनलोड हो गया है और अभी इसे मैं अपडेटिंग पे लगा देता हूँ। ये रीस्टार्ट वगैरह मांग रहा है, इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। और रीस्टार्ट हमारा हो चुका है और वर्ज़न अपडेट भी हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स इसमें नए अपडेट हुए हैं। और अच्छा, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये कह देना चाहता हूँ यार कि अगर आपके पास, जिन जिन लोगों के पास Redmi Note 8 Pro है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 से रिलेटेड ही वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी Redmi Note 8 Pro है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और जो जो फ़ीचर्स इसमें ऐड हुए हैं मैं जो हूँ उसको पूरा बताऊँगा डिटेल में। इस वीडियो को एंड तक आप देखना, जो जो नए नए फीचर्स में ऐड हुए हैं। और Redmi Note 8 Pro वाले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। और ऐप्स को पहले मैं इसको एक बार अपडेट पे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या नए नए फ़ीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं। वैसे तो इसमें जो हमारा जो पुराना वाला जो अपडेट आया था उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ीचर्स इसमें ऐड करे थे, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो है और वो क्लीन मास्टर वाला इशू है, तो ये सब है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि जो क्लीन मास्टर वाला इशू था उसका क्या हुआ है, क्योंकि जो पहले जो क्योंकि क्लीन मास्टर चाइनीज़ ऐप ये सब बैन हो चुकी हैं, MI ब्राउज़र भी बैन हो चुका है, MI वीडियो ये सब थे बैन हो चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपके सिक्योरिटी पैच दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी पैच जो है वो हमारा लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं सितंबर का सिक्योरिटी पैच आ गया है यहाँ पर, और बढ़िया है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और क्लीन मास्टर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि वो बैन हो गया है, बट इसमें हमारे में अभी भी क्लीन मास्टर दिखा रहा था। तो इसमें हमें एक बार ये देखना है कि अभी नए वाले अपडेट में जो हमारा क्लीन मास्टर है वो दिखाएगा या मतलब नहीं दिखा रहा है, क्या हुआ है इसका। तो इसको हम एक बार खोलते हैं। क्लीन मास्टर तो इसमें नहीं दिखा रहा है अभी, तो मैं एक बार सब ये एक बार क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। और एक्चुअली यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने अपडेट के बाद ना ये विंडो थोड़ी मतलब सॉरी विंडो एंड्रॉयड मेरा सिस्टम ये थोड़ा स्लो हो गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यार अगर आप लोगों को भी ऐसा सेम लग रहा है अपडेट के बाद तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर इसके ऊपर कुछ करते हैं। और कुछ अगर नया अपडेट रेडमी की तरफ से आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं उसको ये सब वायरस वगैरह स्कैन कर लेता हूँ, क्योंकि नए अपडेट के साथ क्या पता कुछ वायरस वायरस घुस गया हूँ ये पता नहीं क्यों स्लो हो गया मेरा एयरफोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट के बाद थोड़ा ये स्लो हो गया है। और आप भी अगर Redmi Note 8 Pro के व्यूअर हैं तो मेरे को बताना आप, मतलब जो है कि आपके पास ये अपडेट आया है नहीं आया है, क्योंकि ये रोल आउट होना भी शुरू हुआ ही है। दो एंटीवायरस आ गए हैं, Avast का और AVL का आ गया है। तो ये सब तो हो गया है, अभी कुछ इसमें नया देखते हैं क्या क्या हुआ है। ऐप्स वगैरह हैं, ये तो टेक्निकल गुरुजी का आ गया है। अच्छा ऐप्स तो, हाँ ये तो अच्छा, ये तो गूगल प्ले स्टोर से भी अपडेट हो जाएंगी, तो इसको हम अपडेट नहीं करते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। MI का जो ब्राउज़र है वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। आपको अगर मुझे तो MI ब्राउज़र दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि MI ब्राउज़र पहले ही वो ओपन ही नहीं होता था पहले। MI वीडियो तो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम देखते हैं, इसको हम हटा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, इसको देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसका क्लियर डाटा कर दूँगा पहले, फिर इसको अनइंस्टॉल करूँगा। पहले क्या था, पहले अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं आता था MI ब्राउज़र पर, MI वीडियो पर। तो अभी तो आ रहा है अनइंस्टॉल का ऑप्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका क्लियर ऑल डाटा करके इसको हम डायरेक्ट अनइंस्टॉल यहाँ से कर देंगे। और जो MI ब्राउज़र था वो ऑटोमेटिक ही, मतलब जो है नए अपडेट के बाद ऑटोमेटिक ही वो ख़त्म कर दिया गया है MI ब्राउज़र को। तो
किसी के पास आ रहा है और किसी के पास नहीं आ रहा है, तो जो जो आपके पास, मतलब आप मुझे बताना कि आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी और कोई MI की एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ पड़ी तो नहीं है इसमें जो मतलब वेस्ट एप्लीकेशन थी, जो जिसका हमें यूज़ नहीं हो रहा था। ये तो नहीं हो रहा, नहीं नहीं ये MI पे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, और कोई देखते हैं जो हम अनइंस्टॉल कर पाएँ। नहीं और कोई एप्लीकेशन तो मुझे ऐसी लग नहीं रही है जो मैं अनइंस्टॉल कर पाऊँ। नहीं नहीं कोई भी नहीं है। नहीं नहीं यार, अब तो कोई और एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो मैं अनइंस्टॉल करूं, क्योंकि जो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन MI की थी, वो MI ने अपने आप ही इसको अनइंस्टॉल कर दिया है नए अपडेट के साथ। और चलिए एक मैं एक 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 और इशू आ रहा था पहले, जो फ्लोटिंग विंडो का इशू था, तो वो तो देखेंगे हम। पहले कैमरा देख लेते हैं, कैमरा में हमारा क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई हैं। यार कैमरा में तो मेरे को ना कुछ ख़ास चेंजेस लगा नहीं, मतलब ख़ास क्या, कोई भी चेंजेस नहीं लगा। कैमरा का UI सेम है, और इसमें जो है कोई एक एडिशनल मोड कुछ देने की बात हो रही थी, पता नहीं ग्लोब मोड, पता नहीं क्या मोड, पता नहीं कौन सा। तो मेरे को तो कैमरा में कुछ एडिशनल नहीं लग रहा है, मेरे को तो वही लग रहा है जो कैमरा में सब था। आप भी मेरे को बताना अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर कैमरा में मिला हो तो। और बाकी हमें आपसे फ्लोटिंग विंडो वाली बात कह रहा था, तो एक बार ना फ्लोटिंग विंडो पहले क्या था, नोटिफिकेशन आते ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आती थी तो जो हमारी फ्लोटिंग विंडो हुआ करती थी वो अपने आप ही, जैसे हम उसको नीचे करते थे फ्लोटिंग विंडो को, वो अपने आप ही चले जाया करती थी। तो ये फ्लोटिंग विंडो का एक और नया कुछ अपडेट इसमें आया है, इसमें आप कैसे करके फ्लोटिंग विंडो को यूज़ कर पाओगे वो इसमें ऐड किया गया, क्योंकि पहले इसमें ऐड नहीं किया गया था। पहले फ्लोटिंग विंडो का कुछ ट्यूटोरियल वगैरह ऐसा कुछ था नहीं मेरे ख्याल से, तो इसमें ये एक नया फीचर ऐड किया गया है सेटिंग में जाके स्पेशल फीचर्स में। और ये लाइट मोड एक इसमें ऐड किया गया है, इसमें ये लिखा हुआ भी आ रहा है, बिगर आइकन, लार्ज टेक्स्ट, लेस विजुअल क्लटर। ठीक है, इसको हम एक्टिवेट एक बार टर्न ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आप देखिए जो मेरे आइकन है वो बड़े हो गए हैं, मेरे फ़ोन के आइकन बड़े बड़े आ गए हैं। और ऐप्स के लिए ऐप क्या है, एक एक फ़ोल्डर में, अलग अलग फ़ोल्डर में इसको मैनेज कर दिया गया है ऐप्स को। गूगल की एप्लीकेशन अलग है, टूल्स अलग कर दिया गया है, और अदर ऐप्स जो हैं मेरी वो इस फोल्डर में डाल दी गई हैं अदर ऐप्स, और काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो ठीक है, जिसको थोड़ा विज़न प्रॉब्लम है वो इसको कर सकता है, मैं तो, मेरे को तो नहीं है, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। तो एक तो ये फ़ीचर इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और यार मुझे, मेरे को और तो कोई स्पेशल फ़ीचर नहीं लगे। आपको अगर मिले कुछ और एडिशनल तो आप मुझे बताना, और कुछ मैंने पूरा चेक कर लिया, मुझे कुछ भी स्पेशल फ़ीचर अब नहीं मिले। तो यार ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। तो अगर आप Redmi Note 8, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप Redmi Note 8 यूज़ कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं Redmi Note 8 Pro से रिलेटेड ही वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, अपडेट देता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम पे। और जो भी आपके Redmi Note 8 Pro में जो GCam है और भी एप्लीकेशन है, उसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। चलिए, टिल देन टेक केयर।